आज से 10 साल पहले जब मैंने अपना पहला फोन खरीदा था तो उसमें 1 GB की रैम थी और 8 GB की स्टोरेज थी। लेकिन 2024 के अंदर कुछ ऐसे फोन आएंगे जिनके अंदर 24 GB की रैम 1 TB की स्टोरेज होगी। हालांकि ऐसे फोन अभी इंडिया में मिलते नहीं है, लेकिन चाइना में कुछ फोन आ चुके हैं ऐसे, लेकिन देख के ऐसा लग रहा है कि कभी ना कभी तो 24 GB रैम और 1 TB स्टोरेज तो आपको देखने को मिलेगी। लेकिन सीधा एक सीधा सवाल आता है, क्या इतनी रैम और स्टोरेज की जरूरत है? और 2024 में किसी को अगर फोन ले रहा है तो कितनी रैम और स्टोरेज चाहिए? सिंपल आंसर बता देता हूँ। पहले, आज के समय में 8 GB रैम और 12 GB रैम मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप कोई ज्यादा हैवी मल्टीटास्किंग नहीं करते हो, नॉर्मली फोन यूज करते हो, मिड रेंज फोन ले रहे हो, 8 GB रैम आज के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। और ज्यादा से ज्यादा अगर हाई एंड फोन लेना लंबे समय तक यूज करो तो 12 GB, इसके आगे ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है। वही बात करें स्टोरेज की तो यहाँ पे 256 GB स्टोरेज बिल्कुल आइडियल है। आज के समय में अगर आपका काम अगर आपको करना है वो सारे काम करेगा और 256 GB स्टोरेज आप काफी लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। 512 GB स्टोरेज वाले फोन भी आज के समय में मौजूद है। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप अपने फोन को बहुत ज्यादा लंबा चलाने वाले हो और बहुत ज्यादा फोटो वीडियो करने वाले हो तो शायद इसकी जरूरत पड़ सकती है। 512 GB जो स्टोरेज होती है ना, उसकी जरूरत यहाँ पे आपको शायद बिल्कुल भी नहीं पड़े। ज्यादातर लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा ओवरकिल होता है। तो स्वीट स्पॉट बता दो, 8 GB 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज, कुल मिला के बात ये कुछ साल पहले भी ट्रू था, अभी भी ट्रू है और आने वाले कुछ साल तक ये बात बिल्कुल ट्रू रहेगी। लेकिन इसके बावजूद भी कंपनीज को भी मालूम है, वो अपने 16 GB रैम 24 GB रैम 1 TB स्टोरेज वाले फोन निकालेंगी। सिंपल सा आंसर ये कि वो क्यों निकाल रही है। सबसे पहली चीज, इस टाइप के फोन्स ऑलरेडी मार्केट पे मौजूद है जो 24 GB रैम के साथ आते हैं। यानी की बात करें यहाँ पे रेडमी K60 एक्सट्रीम एडिशन आता है, वन प्लस एस टू प्रो आता है, वन प्लस 12 का 24 GB वर्जन है वो इंडिया में नहीं आएगा, ऐसे ही रियलमी का रियलमी GT5 है। ये कुछ ऐसे फोन जो ग्लोबली यहाँ पर अवेलेबल है लेकिन इंडिया में अभी इनकी अवेलेबिलिटी नहीं होगी कुछ समय तक। और जितनी भी कंपनियां जब उससे पूछा जाता है क्या इतनी रैम और स्टोरेज की जरूरत आपको वाकई में है, तो उसके 3 आंसर यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि 3 ऐसे कारण है कि जहाँ पे कंपनियों को लगता है कि यहाँ पे इतनी रैम और इतनी स्टोरेज की जरूरत पड़ सकती है। पहला है गेमिंग। आज के समय में मोबाइल फोन की गेमिंग बढ़ी है और मोबाइल फोन की गेमिंग के अंदर जो हार्डवेयर होता है वो भी इम्पोर्टेंट हो गया है, इसलिए कंपनी कहती है कि ज्यादा से ज्यादा रैम ले लो, आपका गेम अच्छे से चलेगा। लेकिन ज्यादातर गेम इस तरीके से डिजाइन होती है कि अगर 24 GB रैम नहीं है, 12 GB है, 8 GB है ना, तो भी उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है, आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि रैम का वो तो यहाँ पे यूज करता है लेकिन इससे ज्यादा डिपेंड करता है उसका प्रोसेसर, उसका GPU कैसा है, वो गेमिंग के अंदर आपकी परफॉर्मेंस को यहाँ पे डिसाइड करता है। रैम यहाँ पे पार्ट लेती है लेकिन आज के समय में एंड्रॉइड इतना ज्यादा स्मार्ट हो चुका है, यहाँ पे अगर कोई ऐप ज्यादा रैम की रिक्वायरमेंट करते हैं ना तो बैकग्राउंड से काफी सारी ऐप को यहाँ पे किल कर देता है ताकि रैम के अंदर बराबर स्पेस रहे और जो आप ऐप यूज कर रहे हैं, जो गेम खेल रहे हैं, वो आप आसानी से खेलते रहे। अगर आपको मल्टीपल गेम खेलना तो वो भी 12 GB रैम में यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन फिर भी अभी तक कोई ऐसा गेम नहीं आया जिसके लिए लगे कि आपको 16 GB 24 GB रैम चाहिए। इसके साथ ही अगली बड़ी चीज जो मोबाइल फोन में वो है AI, और AI कैपेबिलिटीज के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज होती है रैम होना। अब देखा जाए तो अभी तक मोबाइल फोन में इसका रियल वर्ल्ड इंप्लीमेंटेशन नहीं आया, अभी भी डेवलपमेंट फेज में चल रही है, इंक्लूडिंग गूगल की जो जेमिनी AI आती है वो भी। और उसके अंदर क्या किया गया कि मोबाइल फोन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रन करेंगे उसको ज्यादा रैम की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। ये एक यूज केस हो सकता है लेकिन इसके लिए भी कितनी ज्यादा रैम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कितना प्रोसेसर डिपेंडेंट होगा, अभी भी इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। और अगली चीज होती है डेस्कटॉप मोड। जैसे आपने सैमसंग का डेस्क देखा होगा, ऐसे गूगल भी एंड्रॉइड के लिए अपने डेस्कटॉप एक्सपीरियंस मोड क्रिएट कर रही थी जिसके अंदर गूगल ने पीछे से काम किया और एंड्रॉइड के अंदर उसको भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट बनाया, लेकिन अभी उसको प्रॉपर दिखाई नहीं है। आने वाले फ्यूचर में गूगल भी इस चीज को शोकेस करेगा बहुत अच्छे तरीके से और ये दिखाएगा कि कैसे मोबाइल फोन एक कंप्यूटर का रिप्लेसमेंट क्रिएट कर सकता है और उसके अंदर शायद इस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। जिसके अंदर बहुत सारी ऐप एक साथ चला रहे हो, बहुत सारी विंडोज ओपन कर रखी है, तब शायद इसकी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। लेकिन इसके अलावा देखा जाए तो ऐसा लग नहीं रहा कि ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़नी चाहिए आपको ज्यादा रैम वाली चीज की। तो सिंपल सी बात है कि आज के समय में कंपनी 3 चीजों के ऊपर बता रही है कि आगे चल के रैम की रिक्वायरमेंट इतनी पड़ सकती है। हालांकि अभी भी बता सकता हूँ 24 GB रैम आपके मोबाइल फोन में उतनी ही यूजफुल रहेगी जितना 2 MP का कैमरा रहता है, और इवन यहाँ पे हायर स्टोरेज भी आपके लिए उतनी ही वैल्यूएबल रहेगी क्योंकि एक हद के बाद इतनी स्टोरेज का शायद आप कभी यूज कर भी ना पाओ। लेकिन बात करें तो कंपनीज के लिए एक काफी अच्छा मार्केटिंग टूल है, इसलिए वो इसे यूज करती है क्योंकि उन्हें पता है कि आज के समय में ज्यादा से ज्यादा फीचर मोबाइल फोन में तो हम डाल रहे हैं लेकिन हर कोई वो भी चीजें डाल रहा है और एक दूसरे से अलग दिखने के लिए ज्यादा रैम और ज्यादा स्टोरेज वाला वर्जन निकालते हैं और अपने आप को प्रीमियम रखने की कोशिश करते हैं कि यार हमने फ्लैगशिप फोन निकाला है,
इसके अंदर 24 GB रैम है, 1 TB स्टोरेज है, आप इसको जाके लीजिए। और जैसा सिलसिला चल रहा है तो मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि 2024 में दुनिया में कहीं ना कहीं एक फोन तो ऐसा लॉन्च हो गई होगा जिसके अंदर 32 GB रैम भी होगी, लेकिन फिर भी वो उतनी ही यूजफुल होगी जितना 2 MP का कैमरा होता है आज के समय मोबाइल फोन में। लेकिन एक बात बताऊँ, यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, वो है रैम और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ऑप्टिमाइजेशन। बेसिकली बात है कि कंपनी जो अपने सॉफ्टवेयर होता है उसको कितने अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करती है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो रैम आ रही है ना उसको बेटर यूटिलाइज कैसे कर पा रहे हैं। आज भी आईफोन और पिक्सल फोन के अंदर इतनी ज्यादा रैम आपको देखने को नहीं मिलती। मोस्टली जो फोन जिनके अंदर आपको इतनी रैम आ रही है ना वो सारे चाइनीज फोन आ रहे हैं, जिसके अंदर कई बार चाइनीज फोन के अंदर इस चीज को एज ए गिमिक की तरीके से बेचा जाता है और इसी वजह से चीज मार्केट में पॉपुलर हो रही है। अगर कंपनी अगर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का ऑप्टिमाइजेशन पे काम करे तो शायद इसकी इतनी जरूरत पड़े नहीं, क्योंकि आज के समय में आप खुद देखिए कि लैपटॉप के अंदर भी 8 GB या 16 GB अगर रैम मिल रही है तो भी वो आपके मेजॉरिटी टास्क यहाँ पे कर सकता है, और कोई अगर स्पेसिफिक टास्क है उसके लिए आपको ज्यादा रैम की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी लोग के लिए 8 GB रैम काफी ज्यादा सफिशियंट है। रैम की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा पड़ी नहीं पीसी इंडस्ट्री के अंदर भी, और सेम कहानी मोबाइल फोन के अंदर भी यहाँ पर ट्रू है। और ऊपर से बताने की जरूरत है भी नहीं कि कैसे वर्चुअल रैम के कंसेप्ट को भी कंपनीज ने यहाँ पे पॉपुलर कर रखा है, क्योंकि उसके अंदर भी जो रैम होती है आपके मोबाइल फोन के अंदर असली वाली वही यहाँ पे एक्चुअली भी यूटिलाइज की जाती है। जो वर्चुअल रैम का कंसेप्ट है वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा गिमिक तरीके से यहाँ पे साबित हुआ, स्पेशली मोबाइल फोन के अंदर भी। कुल मिला के बात ये कि आपको मोबाइल फोन के अंदर कितनी रैम लेनी चाहिए। देखो आपको फिर बता देता हूँ, अगर आप एक बजट फोन ले रहे हो जिसकी कीमत बहुत कम है तब आप उसके अंदर 4 GB रैम ले सकते हो, लेकिन 10,000 के ऊपर का अगर आप कोई भी फोन ले रहे हो तो 6 GB रैम तो उसके अंदर आप देख के रहिए। 6 GB रैम एक बजट फोन के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है, मिड रेंज के लिए 8 GB रैम काफी सही है, और हायर वर्जन के लिए ज्यादा से ज्यादा 12 GB, इसके ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है। और स्टोरेज में भी 128 GB अगर आपको कम लगती है तो 256 GB की ऐसी स्टोरेज है जहाँ पे आप अपने मोबाइल फोन को लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, और 512 पे तो सिर्फ तभी जाइए जब आपको लगे कि लिटरली आप इतनी स्टोरेज के अंदर इतनी फोटोज वीडियोस को रखने वाले हो, तब वो चीज इतनी यहाँ पे यूजफुल हो सकती है। एल्स इसके अलावा देखा जाए तो 2024 में रहा ये आपको ज्यादा रैम की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली, रही ज्यादा स्टोरेज की, तो सिंपल सी बात है कि कंपनी के जो हायर स्टोरेज वर्जन आते हैं जहाँ पे कंपनियां अपने महंगे वर्जन को ज्यादा आगे दिखाती है उस पे जाने की जरूरत नहीं, कई बार बेस मॉडल में ही काफी वैल्यू फॉर मनी मिल जाती है और उससे आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो देखा है तो ये कहानी ज्यादा रैम और ज्यादा स्टोरेज की। 2024 में क्या ऐसा फोन लोगे जिसके अंदर 24 GB की रैम या 1 TB की स्टोरेज हो, नीचे कमेंट बताओ। पसंद आई इन्फॉर्मेशन लाइक करो, सब्सक्राइब करो, यहाँ पे आपसे बताऊँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।